हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज अपन बात करेंगे मीराबाई चानू के बारे में। अभी लेटेस्ट सभी मीराबाई चानू की चर्चा कर रहे हैं। मीराबाई चानू जिन्होंने लेटेस्ट अभी टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में रजत पदक यानी सिल्वर पदक जीता। मीराबाई चानू आज चारों तरफ उनकी प्रशंसा हो रही है, लेकिन उनके संघर्ष और जब उस टाइम रियो ओलंपिक 2016 में इसी मीडिया ने मीराबाई चानू की इतनी आलोचना की कि हद से ज्यादा। इसलिए ध्यान रखें दोस्तों, जब आप जीवन में असफल होंगे तो हजारों मुश्किलें और यही समाज यही मीडिया आपकी बुराई करेगा और आपको एक बुरा बना देगा। लेकिन जब आप हिम्मत धैर्य के साथ आगे बढ़ोगे ना, यही मीडिया यही समाज यही परिवार के लोग आपको कंधे पे उठा लेंगे और आपकी प्रशंसा इतनी करेंगे कि आपकी हद से ज्यादा प्रशंसा करेंगे। हर लोग सफल व्यक्ति के पीछे भागता है। सफल होना है तो मेहनत और धैर्य से काम करना पड़ेगा और इसका जीता जागता उदाहरण है मीराबाई चानू। एक कहावत है जो मीराबाई चानू के ऊपर लागू होती, हार कर भी जीतता है उसको बाजीगर कहते। और यही हुआ मीराबाई चानू के बारे में। आज मीराबाई चानू का संघर्ष मैं बताऊंगा कि कैसे मीराबाई चानू को आलोचना झेलना पड़ी और परिवार समाज और हर तरफ से उसको बहुत ही गलत गलत कहा गया कि ये करियर तुम्हारे लिए नहीं है, छोड़ दो। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और उस मुकाम पर पहुंची। आइए देखते हैं। मीराबाई चानू का पूरा नाम साइखोम मीराबाई चानू, एक सामान्य परिवार से आई है, बिल्कुल सामान्य परिवार से। इनके माता अभी भी गांव में दुकान चलाती है, इनके पिताजी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं। ये मणिपुर, अपने भारत के मणिपुर राज्य के राजधानी इम्फाल से 20 किलोमीटर दूर इसका गांव है। अब देखिए, छोटे से गांव से मीराबाई चानू निकली और एक लक्ष्य अपनाया कि मुझे वेट लिफ्टिंग में जाना और कुछ करना है देश के लिए। 12 साल की उम्र में इन्होंने अभ्यास करना शुरू कर दिया। शुरू में ये लकड़ियों का गट्ठा उठाती थी और अभ्यास करती थी। देखिए अभाव में कैसे अभ्यास किया, फिर भी आज उस मुकाम पे पहुंची मीराबाई चानू। रोज सुबह 4:30 बजे उठना, कंसिस्टेंसी। मीराबाई चानू ने अपने जीवन में कंसिस्टेंसी रखी, रोज सुबह 4:30 बजे उठना और प्रशिक्षण के लिए साइकिल से घर से निकलती थी, रोज 20 किलोमीटर साइकिल चलाना। इम्फाल पहुंचती थी मीराबाई चानू साइकिल से, लेकिन कहते हैं कि साइकिल से पहुंचते पहुंचते वो वहां पर थक जाती थी और बराबर प्रैक्टिस नहीं होती थी। तो फिर वहां पे क्या, इम्फाल और बीच में क्या रेत के ट्रक चलते थे, तो बाद में मीराबाई चानू रोज रेत के ट्रक में बैठकर जाती थी और प्रशिक्षण में भाग लेती। देखिए मीराबाई चानू का संघर्ष देखिए आप। अब मेन बात यह आती है, मीराबाई चानू ने सब कुछ कर लिया, लेकिन जब एक टाइम ऐसा आया, मीराबाई चानू ने मेडल भी जीते सब कुछ जीते, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मीराबाई चानू बहुत ही निराशा में डूब गई। वो कब डूबी आइए देखिए। 2016 रियो ओलंपिक्स में तीन बार ओलंपिक में आपको मौका दिया जाता है वजन उठाने के लिए वेट लिफ्टिंग में, लेकिन यहाँ मीराबाई चानू को देखिए आप, एक भी बार मीराबाई चानू वजन सही नहीं उठा पाई। मीराबाई चानू ने वजन उठाने की कोशिश की, वजन नहीं उठा, गिर गया फर्स्ट बार। सेकंड बार वापस कोशिश की, वजन नहीं उठा, वापस गिर गया। थर्ड बार वापस की, रियो ओलंपिक 2016 की बात कर रहा हूं मैं, और वापस वजन गिर गया। ओलंपिक की टीम ने, पता है आपको, सबसे बड़ा रिमार्क लगाया मीराबाई चानू के ऊपर, वजन भी सही नहीं उठा पाई मीराबाई चानू और उनको बाहर कर दिया गया। ये 2016 की बात कर रहा हूं, आज 2021 चल रहा है। देखिए उस वक्त वजन सही नहीं उठा पाने के कारण मीराबाई चानू को बाहर कर दिया। उसके बाद मीडिया में बहुत आलोचना हुई मीराबाई चानू की और पूरा परिवार ने भी आलोचना की। अब देखिए पूरे मीडिया ने मीराबाई चानू की आलोचना की कि ऐसे कैसे खिलाड़ी को भारत ने रियो ओलंपिक के भेज दिया जो वजन भी सही तरीके से नहीं उठा सकता है। इट इज सो डिस्गस्टिंग फॉर इंडिया। और परिवार
समाज मीडिया के द्वारा मीराबाई चानू की आलोचना की गई और मीराबाई चानू खुद भी निराश हताश हो गई थी। एक बार निराशा में डूब गई कि यार मैं एक इतना प्रैक्टिस की, इतना प्रशिक्षण किया, फिर भी मैं एक भी बार वजन नहीं उठा सही पाई। फिर भी उस आलोचना को जेला मीराबाई चानू ने, उस आलोचना को हथियार बनाया कि मेरे को कुछ करना है और आगे बढ़ना, और इसी ओलंपिक में नेक्स्ट टाइम में मैं वजन सही उठा पाऊंगी और पदक भी देश के लिए जीता पाऊंगी। वो जुनून मीराबाई के अंदर पैदा हुआ और वो जुनून आप जानते हो अभी 2021 में भारत के लिए मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता और वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू दूसरी महिला हो गई जिन्होंने पदक जीता। इससे पहले 2000 सिडनी में कर्णम मैलेश्वरी ने पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था भारत के लिए। तो ये देखिए संघर्ष, हार कर भी जीतने को बाजीगर कहते हैं, इसको कहते हैं मीराबाई चानू को। अपने जीवन में हर आज एक नॉर्मल इंसान के जीवन में थोड़ा सा निराशा और थोड़ी सी असफलता मिल जाए तो कितना टूट जाता है और वो अपने लक्ष्य को छोड़ देता है और कभी आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन आपको इस मीराबाई चानू से सीख लेनी चाहिए कि कैसे जीवन में असफलता मिले फिर भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहें और अपने लक्ष्य के प्रति चलते रहें, अपने जुनून और अपनी मेहनत के साथ में लक्ष्य के प्रति चलें, आपको लक्ष्य अवश्य मिलेगा। आपको अगर असफलता मिली और आप निराशा में डूबे तो आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल चाहिए तो मीराबाई चानू आपके सामने है कि कैसे मीराबाई चानू भी असफलता में गिरी, लेकिन असफलता में गिरने के बाद में फिर कैसे सफलता पाई। उनके जुनून और उनकी मेहनत और उनकी हिम्मत के बल पर मीराबाई चानू आज उस मुकाम पर पहुंची। तो इसी के साथ आज यही मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।